रखे ध्यान सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सेहत सबसे बड़ा धन है। बच्चों, आपने इस बात को तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, अच्छी सेहत के बिना सब कुछ बेकार है। और अच्छी सेहत के लिए हमारे शरीर में विभिन्न पोषक तत्वों की सही मात्रा बहुत जरूरी है। इनमें से एक है विटामिन सी। यह हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए बेहद ही आवश्यक है। विटामिन सी हमारे शरीर की मूलभूत रासायनिक क्रियाओं के लिए विभिन्न यौगिकों का निर्माण करता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो सकता है, जिससे शरीर में थकान, मांसपेशियों में कमजोरी, जोड़ों में दर्द और पैरों पर चकते पड़ने जैसी दिक्कतें हो जाती हैं। यहाँ तक कि विटामिन सी की कमी होने पर हमारा शरीर छोटी छोटी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी खो देता है, जिसके नतीजे कई बीमारियों के रूप में सामने आते हैं। इसकी कमी से रक्त का थक्का जमना भी बंद हो जाता है। तो बच्चों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि हमारे शरीर के लिए विटामिन सी कितना जरूरी है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आंवला, पुदीना, अंगूर, टमाटर, सेब, दूध, चुकंदर, चौलाई और पालक विटामिन सी के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। इसके अलावा दालों में भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए हमें अपने भोजन में इन सभी खाद्य पदार्थों को नियमित रूप से शामिल करना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सिट्रस फलों में, जैसे कि नींबू, संतरा, अमरूद और मौसमी इत्यादि में भी पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इनमें मौजूद एस्कॉर्बिक अम्ल हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मददगार साबित होता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि विटामिन सी से जुड़ी ये जानकारियां आपको काफी पसंद आई होंगी। साथ ही स्वस्थ रहने के लिए आप अपने भोजन में उन खाद्य पदार्थों को जरूर शामिल करेंगे जो विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। आप सुनते रहिए किड्यान सपनों की उड़ान।